जनक मत हो, जनक तुम। जनक बैठो, मैं तुम्हें कहा ना होते की कोई जरूरत नहीं है, एक बात नहीं सुनती हो मेरी। आराम। अर्शी तुम क्यों, शौक हो मुझे यहाँ देखकर? नहीं शौक क्यों, तुम यहाँ इतनी सुबह? मैं बस जनक को देखने आया था, काफी तेज बुखार है रात से इसे। तो तुम क्या डॉक्टर हो? नहीं अर्शी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछ भी नहीं सकता। हाँ जल्दी करो, मुझे निकलना है। नहीं कोई जरूरत नहीं है, आज तुम सिर्फ रेस्ट लोगी, ओके? अरे मैं जनक को लेने आई हूँ और तुम बोल रहे हो कि? अर्शी जनक की तबीयत खराब है, बुखार है उसे 104, इसे डॉक्टर की जरूरत है। इस हालत में तुम्हारे घर ले जाना ठीक नहीं होगा। डोंट वरी, डॉक्टर को घर पे बुला लेंगे। डॉक्टर चैटर्जी हैं, डैड के ओल्ड फ्रेंड, होम विजिट पे आ जाएंगे। इतनी इंसानियत है हमें नहीं। अर्शी जनक इस हालत में नहीं जा पाएगी। जनक तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला लेते हैं, आई थिंक वो तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। एम्बुलेंस? अर्शी जनक को ठीक होने में बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो ठीक हो जाएगी, और जैसे ही ठीक हो जाएगी ना मैं तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। कल रात तक तो ये ठीक थी, आज अचानक से क्या हो गया इसे? अर्शी काम करो, तुम खुद टेम्परेचर चेक करो प्लीज। अनी कोई भी इतना बीमार नहीं होता है कि 15 मिनट गाड़ी में ना बैठ सके। अगर हॉस्पिटल जाना होगा तब भी तो गाड़ी में ही बैठ के जाएगी ना, तो सेम ही तो बात है, गाड़ी में बैठो और चलो। अर्शी लेकिन इसकी जरूरत नहीं है ना, जनक की तबीयत खराब है, तेज बुखार है इसे, और तुम्हारे घर जाके क्या करेगी, हेल्प तो कर पाएगी नहीं, तो बेटर यही है कि यहीं रहे, है ना? हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। लेकिन अर्शी उसकी जरूरत नहीं है ना, जनक की तबीयत खराब है, बुखार है इसे, और ये तुम्हारे घर जाके क्या करेगी, हेल्प तो कर पाएगी नहीं, तो बेटर है कि यहीं रहे, है ना? देखो अर्शी हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। हम मतलब मैं तुम्हें जो समझ रहा है समझ ही तो नहीं पा रही हूँ। अर्शी जनक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जैसे ये ठीक हो जाएगी ना मैं खुद तुम्हारे घर लेके आऊंगा, ट्रस्ट मी। आवाज आती है इसके। और सुन रहा है अर्शी निकली? अर्शी लिसन, अर्शी लिसन। दीदी सर्दियों ने नाराज करके मत भेजे, मैं चली जाऊंगी। जनक तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है, कैसा आदमी हूँ मैं? मैं खुद तुम्हें अपनी मर्जी से यहाँ पे लाया, और इस हालत में मैं जाने दूंगा तुम्हें? देखा उसे, हद होती है। जनक तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो, आराम करो जनक, आराम करो। क्या आवाज है, मकड़ी आवाज कर। मैं सीन के बारे में जान जाऊँ, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ध्यान रखते रखते आप कहीं चीजों का आपको भी ध्यान देना पड़ा, कहीं बहुत ज्यादा कुछ ज़्यादा ही केयर हो रही है। हाँ तो अर्शी जब देखती है कि अनिरुद्ध जनक की इतनी केयर कर रहा है, इतना ख्याल रख रहा है, इतने प्यार से उसके सर पे पट्टियाँ लगा रहा है, तो अर्शी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो किसी भी लड़की को नहीं अच्छा लगेगा कि उसका होने वाला पति ये सब किसी और लड़की के लिए कर रहा है। तो इस सीन में वही जेलस है, गुस्सा है, इनसिक्योरिटी है। वो तो अर्शी टॉन्ट मार रही है जनक को कि तुम इतनी बीमार हो तो एम्बुलेंस बुला लेती हो, वो हेल्प कर देंगे। अनिरुद्ध ना डॉक्टर है और ना ही हॉस्पिटल में कोई और काम करता है कि तुम, वो तुम्हारी टेक केयर कर रहा है, इससे अच्छा तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ।